हेलो एवरीवन वेलकम टू द गुरुकुल हमने अपने प्रीवियस टू वीडियोस में हमने पार्ट वन और पार्ट टू किया था जिसमें मैंने आपको करवाया था सितंबर और अगस्त अगस्त और सितंबर दो महीने के करंट अफेयर्स जैसा कि मैं बता रही हूँ कि आर्मी पब्लिक स्कूल में जो करंट अफेयर्स आता है वो आपको सिक्स मंथ से ज़्यादा नहीं पूछा जाता जो अभी रिसेंट थ्री मंथ्स है यानी कि आपका नवंबर में एग्जामिनेशन होना है तो अगस्त सितंबर अक्टूबर ये तीन मंथ के करंट अफेयर्स ज़्यादा पूछे जाएंगे और बाकी के जो पिछले तीन मंथ है यानी कि सिक्स मंथ में टोटल जो ट्वेंटी मार्क्स के जो करंट अफेयर्स का सेक्शन होगा उसमें आपके जो ज़्यादातर सवाल रहेंगे आपके इधर के थ्री मंथ से जो रिसेंट थ्री मंथ्स है यानी कि आपके एग्जाम से जस्ट थ्री मंथ्स पहले यानी कि अगस्त सितंबर और अक्टूबर क्योंकि एग्जाम नवंबर में है बाकी पिछले थ्री मंथ्स के हैं उसके बहुत ही कम फ्रिक्वेंट क्वेश्चन रहेंगे वो मैं मैंने आपको बता बताया भी है कि ये तीन महीने का करंट अफेयर्स का जो मैंने तीन वीडियो दिया है ये तीन आप अच्छे से कर लो और इसके बाद मैं एक वीडियो दे दूंगी जो पूरे छः मंथ के जो सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसके लिए ये चार वीडियोस आपके करंट अफेयर्स के लिए मोर देन इनफ है आप इतने वीडियोज़ अगर देख के जाते हो तो करंट अफेयर्स का एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आप छोड़ के आओगे क्योंकि मैंने कोशिश ये करी है कि इतना फिल्टर कर दिया है वीडियो को जो जो इंपॉर्टेंट uh, है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक कवर किया है और एक एक टॉपिक जो है जो भी करंट इवेंट हुआ है इस मंथ के अंदर तो यहाँ पे अक्टूबर में जो भी जैसे कि हमने टॉपिक वाइज लिया है पर्सन इन न्यूज़ तो सबसे पहले जो लोग न्यूज़ में है कुछ लोग आ, या फिर उनकी डेथ हुई है या उन्होंने कुछ ऐसा किया जिस वजह से वो न्यूज़ में है पहले वो देख लेते हैं कौन कौन है तो रिसेंटली रीवा गांगुली जो है आ, वो आ, रीवा गांगुली दास अपॉइंट की गई है बाय द गवर्नमेंट एज द सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स शी इज द हाई कमिश्नर टू विच कंट्री तो वो बांग्लादेश की हाई कमिश्नर है और जो अभी अपॉइंट की गई है क्या गवर्नमेंट एज द सेक्रेटरी ईस्ट इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड बाई टाटा एरिया ग्रुप लिमिटेड एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तो नवीन ताहिलयानी को uh, नियुक्त किया, किया गया है अपॉइंट किया गया है टाटा ए आई लाइफ के द्वारा एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रिसेंटली माइकल Martin हैज बिन elected एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो आयरलैंड के नए जो प्रधानमंत्री बने हैं वो उनका नाम याद रखना है तो माइकल given रिसेंटली additional चार्ज ऑफ मध्य प्रदेश एज इट्स गवर्नर तो आनंदीबेन पाटिल को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है मध्य प्रदेश की गवर्नर गवर्नर का चार्ज दे दिया गया है और रिसेंटली हुए टेकन ओवर एज द न्यू इंस्पेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ साउथ बंगाल फ्रंटियर अश्विन कुमार सिंह को किया गया और रिसेंटली जो है लजॉरस चकवेरा हैज बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री तो मलावी कंट्री के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है उनका नाम याद रखना आपको लजारस चाकवेरा रिसेंटली गुंडी गुंडी जॉनसन को हैज़ बिन री एलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री तो आइसलैंड के प्रा, ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बने हैं वापस से फिर से इनको री, एलेक, री एलेक्ट कर दिया गया है और रिसेंटली हुए टेक इन चार्ज एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन तो रविंद्र भाकर को किया गया है रिसेंटलीपोरेशन आईओ सी के जो न्यू आ, का जो न्यू चेयरमैन बने हैं जिन्होंने चार्ज लिया है वो है श्रीकांत माधव वैद्य रिसेंटली हुई न्यू डायरेक्टर ऑफ स्टेट ओन्ड गैस यूटिलिटी गेल इंडिया लिमिटेड तो गेल के जो नए डायरेक्टर बने हैं वो है ई एस रंगनाथन रिसेंटली एड फिलिपी हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री तो वो फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने अभी अभी रिज़ाइन कर दिया है अपनी पोस्ट से रिसेंटली एंड्रेज ड्यूडा हैज़ बिन री एलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री तो ये प्रेसिडेंट बने हैं पोलैंड के एंड्रेज ड्यूडा रिसेंटली पद्मश्री अवार्ड विनिंग वेटरन गुजराती जर्नलिस्ट कॉलोमिस्ट राइटर एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट नागिन दास संघवी हैज़ पासड अवी इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड बाय पद्मश्री तो दो हजार उन्नीस में अभी अभी रिसेंटली उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला था और जिनका निधन हो गया है तो हमने किया पर्सन जो न्यूज़ में रहे हमारे अक्टूबर मंथ के अंदर अब हम पर्सन के बाद अवार्ड्स देख लेते हैं कि जो जो नए अवार्ड्स दिए गए हैं जिस तो जिस जिस पॉइंट से हमारे क्वेश्चन बनेंगे मैं उन्हीं उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करा रही हूँ और पहले पर्सन इन न्यूज़ था अब है अवार्ड का सेक्शन कि अवार्ड किस किस को दिए गए अक्टूबर में किस किस फील्ड में दिए गए तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैंने उसको सेलेक्ट किया है और आप बिल्कुल भी इसको स्किप करके मत पढ़िएगा इसको पूरा पढ़ना है क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इसको छोटा कर दिया इससे छोटा ये संभव नहीं है क्योंकि तीन महीने का करंट अफेयर्स आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा और बिल्कुल आधे आधे घंटे की वीडियोस है आप एक बार चला के अगर उसको छोड़ दो और आराम से दो तीन बार वो प्ले हो जाएगा और आप सुन लोगे बस सुनने से क्या होता क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं आपके पास पढ़ने के लिए आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हो करंट अफेयर्स के लिए अगर आप तीन महीने का न्यूज़पेपर देखोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा आपको आपका इसमें तो आपके लिए कन्वीनियंट है कि आप क्या करो ऐसे वीडियोस इसमें मैं आपको हेल्प कर रही हूँ ऐसे वीडियोस दे करके जिसमें कि आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पूरे कवर हो जा रहे हैं तो अलग से आपको कुछ भी करंट अफेयर्स में टाइम वेस्ट करने की जरूरत जरूरत नहीं है तो आप उसी टाइम को दूसरे सब्जेक्ट में आप लगाओ जो भी आपका सब्जेक्ट है आप उसको ज़्यादा कवर करो और ये आपका इतने से आपका मोर देन इनफ हो जाएगा तो देख लेते हैं अवार्ड्स किस किस को मिला है रिसेंटली हु वॉज ऑनर्ड विथ प्रेसिडेंट्स अवार्ड इन सिंगापुर फॉर नर्स फॉर सर्विंग ऑन द फ्रंट लाइन ड्यूरिंग द कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक तो कोविड नाइन्टीन पेंडेमिक के दौरान नर्स जो है जिन्हें फ्रंट लाइन पर रखा गया था सिंगापुर से जिनको अवार्ड दिया गया है तो वो हो गया वो दिया गया है काला आ, काला नर यान सैमी को दिया गया है रिसेंटली एन टी पी सी लिमिटेड हैज़ बिन अवार्डेड विथ द प्रेस्टिजियस सी टू टू आई टी सी सस्टेनेबिलिटी अवार्ड हु इज़ द चेयरमैन एंड एम डी ऑफ एन टी पी सी तो एम डी ऑफ एन टी पी क्योंकि एन टी पी सी अभी चर्चे में आया तो इसके एम डी और चेयरमैन का नाम पूछा जा सकता है तो so, ये गुरदीप सिंह है आपको याद रखना है recently which iit has developed an ultraviolet sanitizing device named smartphone operated handy ultraviolet disinfection helper jiska ki short mein shuddh bhi kaha gaya hai to ye kisne develop kiya hai ye iit kanpur ne develop kiya hai recently who has won the 2020 dada saheb phalke award for documentary एक documentary बनाई गई जिसका नाम है ची लूपो ची लूपो जो है वो उसको Dada साहब फाल्के Award मिला है तो उसको किसने बनाया है? किसको यह अवार्ड दिया गया तो उसमें दिया गया है केजांग डी थोंगडोक को दिया गया है रिसेंटली अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बगान एथलेटिक क्लब अशोक कुमार को दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मोहन बगान एथलेटिक क्लब के लिए रिसेंटली हु अवार्डेड बाई द गुल प्राइज ऑफ ह्यूमनिटी तो ग्रेटा थनबर्ग को दिया गया है गुलबिकियन प्राइज ऑफ ह्यूमिनिटी के लिए रिसेंटली हु हैज़ बीन कन्फर्ड विद द फर्स्ट प्रोफेसर पी महालानो बिस अवार्ड इन ऑफिशियल स्टैटिक्स फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट्स तो सी रंगराजन को ये अवार्ड दिया गया है उन्हें सम्मानित किया गया है यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं करंट अफेयर्स का सेक्शन जो कि अक्टूबर महीने का है अब देख लेते हैं अवार्ड्स के बाद स्कीम्स एंड लॉन्चेस जो स्कीम्स या फिर कोई लॉन्च ऐसा किया गया है कोई मिशन लॉन्च किया गया है जो कि अक्टूबर के महीने में उसको देख लेते हैं रिसेंटली द खड़ी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के वी आई सी लॉन्च इट्स फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर इन विच सिटी तो ये विलेज इंडस्ट्री है जिन्होंने एक लॉन्च किया है फर्स्ट फुटवेयर ट्रेनिंग सेंटर जो कि न्यू दिल्ली में किया है रिसेंटली इन विच सिटी ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा इनागरेटेड ई सिंपोजियम ऑन हैंडीक्राफ्ट तो ये किया है शिलोंग में रिसेंटली हु हैज लॉन्च द वेब पोर्टल ऑफ गरीब कल्याण रोजगार अभियान नरेंद्र सिंह तोमर उन्होंने लॉन्च किया एक वेब पोर्टल जिसका नाम है गरीब कल्याण रोजगार अभियान रिसेंटली हैज़ इनागरेटेड आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान द लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग प्रोग्राम इन द कंट्री तो ये किया है नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्ना योजना हैज़ बिन एक्सटेंडेड टिल विच मंथ तो ये कर दिया गया है कि, आ, कौन से मंथ में तो इसे एक्सटेंड कर दिया गया है गरीब कल्याण अन्न योजना को आपने अभी भी देखा होगा मोदी जी ने मन की बात करी थी और उसमें इसे एक्सटेंड कर दिया है नवंबर तक तो नवंबर तक के लिए एक्सटेंड हो चुका है जिसमें कि गरीबों को मुफ्त राशन आ, दिया जाएगा तो ये नवंबर तक एक्सटेंड किया है यहाँ पर जो आ, है मिसप्रिंटिंग है आप ठीक कर लेना तो रिसेंटली हाउ मच अमाउंट वाज अप्रूव्ड बाय नाबार्ड टू तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड 44 फोर का जो अमाउंट है उसे अप्रूव किया गया है नाबार्ड के लिए टू अनमान निकोबार आइसलैंड रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैज़ अप्रूव 107 हंड्रेड सेवन क्रोर्स ऑफ मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ इन हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स ऑफ विच पोर्ट तो कोलकाता पोर्ट पे जो फ्राइव यहाँ पे फायर फाइटिंग फैसिलिटीज़ है हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में जिस पे कोलकाता जो कहाँ पर है 107 हंड्रेड सेवन क्रोर्स जिसे दिया गया है उसको मॉडर्न बनाने के लिए कोलकाता पोर्ट पे मैं यहाँ पे क्वेश्चन को डीप में एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही हूँ क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएगी और और आपका बहुत ज़्यादा समय इसमें ज़्यादा नहीं लगना है क्योंकि आपने सिर्फ क्वेश्चन आंसर के लिए आपको प्रिपेयर करना है एग्ज़ाम में टाइम कम है तो इसलिए मैं ज़्यादा डीप नॉलेज यहाँ पर नहीं शेयर कर रही हूँ आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में बता रही हूँ क्योंकि आप, आप

जब आए क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगे आपने ये चीज़ सुना हुआ है कहीं पे चलो आगे चलते हैं रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ फॉर पावर एंड न्यू रिन्यूएबल एनर्जी आर के सिंह ने इनोग्रेट किया है इंडिया के फर्स्ट पब्लिक इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्जिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा कौन सी सिटी में ये किया है न्यू दिल्ली में रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है रिलीफ स्कीम जो कि है निकारा सम्मन योजना फॉर वीवर्स वीवर्स यानी बुन, बुनकर जो होते हैं उन्हें वीवर्स कहा जाता है तो बुनकर के लिए उन्होंने एक स्कीम की है निकारा सम्मन योजना ये कर्नाटका की सरकार ने किया है और रिसेंटली कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है नवीन रोजगार छत्री योजना सो फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल कास्ट के ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए यूपी गवर्नमेंट ने किया है जिसका नाम है नवीन रोजगार छत्री योजना और रिसेंटली कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने इंक्लूड किया है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को अंडर मधु बाबू पेंशन योजना तो पहले क्या था ट्रांसजेंडर को जो है आ, इसमें इंक्लूड इंक्लूड नहीं थे आ, पेंशन योजना में तो अब वो भी इसमें इंक्लूड हो गए हैं कौन सी योजना है मधु बाबू पेंशन योजना और ये की किया है ओडिशा की गवर्नमेंट ने और रिसेंटली कौन सा स्टेट या फिर यूटी यूनाइटेड टेरिटरीज है जो कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना तो ये किया है दिल्ली गवर्नमेंट ने अभी दिल्ली गवर्नमेंट बहुत चर्चे में काफ़ी सारे काम वो कर रही है आगे चलो रिसेंटली कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है बलराम स्कीम टू तो प्रोवाइड क्रेडिट टू तो सेवन लाख लैंडलेस फार्मर तो कुछ ऐसे किसान किसान जो भूमिहीन है जिनके पास अपनी खुद की जमीन नहीं है उनको सात लाख तक का क्रेडिट उधार देने के, के लिए ओडिशा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया स्कीम जिसका नाम है बलराम तो स्कीम का नाम याद रखना और स्टेट का नाम याद रखना आगे नेशनल और स्टेट पे देख लेते हैं क्या क्या हुआ है अक्टूबर महीने में जो कि हम हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है तो नेशनली और स्टेट वाइज तो कोई से स्टेट में अगर कुछ ऐसा हुआ है और नेशनल वाइज जो हुआ है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु और विच कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया है अग्रीमेंट फॉर फॉर टू प्रोजेक्ट्स फॉर वॉर्थ आर एस टू फिफ्टी मिलियन डॉलर तो ये किया है किसके साथ उन्होंने वर्ल्ड बैंक के साथ रिसेंटली थर्टी सिक्स एडिशन है बाई एनुअल एशियन समिट 2020 का जो कि हेल्ड किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कौन सी कंट्री में तो वियतनाम में किया गया है रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर द एंटायर नागालैंड एज डिस्टर्ब्ड एरिया फॉर हाउ मेनी मंथ्स तो इस ये है सिक्स मंथ से जो है डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया है नागालैंड को और रिसेंटली आई ने डेवलप किया है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डीप लर्निंग टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ कोविड नाइन्टीन फ्रॉम चेस्ट एक्स रे इमेज तो चेस्ट की जो एक्स रे इमेज है यहाँ से वो डिटेक्ट कर लेंगे कोविड नाइन्टीन को ये किया है आई आई टी गांधीनगर ने द डिफेंस एक्जिशन काउंसिल डी ए सी उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया एक प्रपोजल टू अक्वायर हाउ मैनी न्यू फाइटर एयरक्राफ्ट फ्राम रशिया उन्होंने थर्टी 33 फाइटर एयरक्राफ्ट रशिया से उन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल लेने का नाउ रिसेंटली कौन सी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है कौन सी आईआईटी है जिन्होंने स्टार्टअप किया है आ, विच हेज़ ए डेवलप्ड पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब एक पोर्टेबल हॉस्पिटल को उन्होंने डेवलप किया है तो ये किया आई आई टी मैड्रास ने जो कि क्या करेंगे पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब ज जैसे कि जहाँ पे पेशेंट है हॉस्पिटल ही वहाँ पहुँच जाएगा मतलब आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल आप तक पहुँचाएंगे आई आई टी मैड्रास ने यह डेवलप किया है कौन सा स्टेट या फिर यूटी हैज़ लॉन्च द पोर्टल नेम्ड हैज़ रोजगार बाजार रिसेंटली तो उन्होंने रोजगार बाजार किया है की गवर्नमेंट ने तो रिसेंटली जो ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग है डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया उन्होंने साइन किया है ट्राइब पार्टाइट एम कौन सी आईआईटी के साथ और विजान भारती के साथ आईआईटी और विजन भारती के साथ उन्नत भारत अभियान जो है ऑफ़ मिनिस्ट्री ऑफ़ एम यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट तो आई आई और विजान भारती के साथ उन्होंने ये एक Uh, क्या किया है एम ओ यू साइन किया है रिसेंटली जो है हु वॉज नेम्ड बाय यूनाइटेड नेशन चीफ टू द न्यू एडवाइजरी ग्रुप तो अर्चना सोरेन जी को क्या किया गया नाम uh, इनका नाम आया है चीफ टू द न्यू एडवाइजरी ग्रुप के लिए और रिसेंटली जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन है पी एक पी सी है जो कि है अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट एक आईआईटी के साथ फॉर ट्रेनिंग और रिसर्च एंड इंटरप्रेनरशिप और डेवलपमेंट इन स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी तो ये किया है इन्होंने आईआईटी कानपुर के साथ रिसेंटली कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जो इन्होंने इनोग्रेट किया है सी नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस ऑन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और फॉर आत्मनिर्भर भारत तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ईज फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए पीयूष गोयल ने इनोग्रेट uh, किया है सी आई आई नेशनल डिजिटल कॉन्फ्रेंस रिसेंटली कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल्स ड्यूरिंग ग्रेट प्रॉफिट फोर्टीन मिलिट्री एक्सरसाइज तो ये किया है ईरान ने विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ उन्होंने कौन सा डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ का जो टॉप किया है उस लिस्ट में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्स इन ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग बाय बाई गैंक नीति आयोग फॉर द फेबरवरी टू जून 2020 पीरियड तो ये यह बीजापुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का रिसेंटली कोल इंडिया ने टाई किया एक बॉन्ड विथ एनएलसी इंडिया लिमिटेड के साथ डेवलप करने के लिए सोलर और थर्मल पावर एसेट्स को और अब आपको बताना है कि चेयरमैन कौन है और एम कौन है कोल इंडिया के तो चेयरमैन और एम प्रमोद अग्रवाल हैं रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड और विच कंट्री कोस्ट गार्ड हैव साइन एम ओ यू टू बूस्ट मैरी टाइम रिलेशन्स तो इंडोनेशिया ने और इंडियन कोस्ट गार्ड दोनों ने मिलकर एम ओ यू साइन किया है बूस्ट करने के लिए मैरी टाइम रिलेशन्स को

क्लोज टू लाइन ऑफ कंट्रोल एल ओ सी इन जे के जम्मू कश्मीर में तो इन्होंने छः ऐसे नए ब्रिजेज को इनाग्रेट किया है रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द पायलटिंग ऑफ द पेपरलेस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम तो प्रकाश जावेदकर जो अपने एम एच आर डी हैं उन्होंने क्या किया है उन्होंने लॉन्च किया है पायलटिंग ऑफ पेपरलेस नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम रिसेंटली कौन से इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है वेली बैंडलिंग आई आई एम खोजी कोट ने और रिसेंटली जो है मैकाडाइमाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय विच स्टेट और यू टी टू इम्प्रूव रोड ये किया है जम्मू कश्मीर ने और कौन सा कौन सा स्टेट हो गया है फर्स्ट स्टेट इन इंडिया जहाँ पर 100% परसेंट हाउस होल्ड जो है एल गैस कनेक्शन है मतलब हर घर में वहां पर एल गैस कनेक्शन है कहीं भी ऐसा कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पर एल नहीं है तो ये है हिमाचल प्रदेश नेशनल और स्टेट न्यूज के बाद अब इंटरनेशनली जो कुछ हुआ है और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट है हम वो देखेंगे तो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन आई ने रिसेंटली बैंड किया है यूज ऑफ इक्विपमेंट ऑफ विच कंट्री तो उन्होंने चाइना के जो इक्विपमेंट जो इस्तेमाल होते थे उसको बैन कर दिया है रिसेंटली हु हैज़ चेयर द फोर्टी नाइन्थ गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ इंडियन प्रोडक्टिविटी काउंसिल तो पीयूष गोयल जो है वो उनको दिया गया है ये इन मीटिंग uh, uh, उन्होंने किया है नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल का और अकॉर्डिंग टू एस एन पी ग्लोबल रेटिंग्स वॉट विल बी द इंडिया जी डी पी ग्रोथ इन ट्वेंटी ट्वेंटी तो जीरो पॉइंट जीरो फाइव है ज बीन ऑनर्ड विद्लिस ग्लोबल अवस्थी मुकेश अम्बानी की रैंक क्या है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में एज पर ब्लूमबर्ग बिलेनियस इंडेक्स जो की रिलीज की गई है फोर्टींथ जून जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी को तो उनकी जो रैंक है मुकेश अम्बानी की वर्ल्ड वाइड सिक्स है वट इज द रैंक ऑफ मुकेश अंबानी इन द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन लिस्ट एज पर रिसर्च तो ब्लूमबर्ग रिसर्च है वहाँ रिसर्च में इनका पोजीशन है फिफ्थ रिसेंटली इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट कौन सी कंट्री के साथ एक्सपैंड करने के लिए कोलेबरेशन इन डीलिंग विथ साइबर थ्रेट्स इजराइल के साथ साइन किया है और रिसेंटली पाकिस्तान और चाइना उन्होंने साइन किया एक एग्रीमेंट 700 मेगावाट का आजाद पटान हाइडल पावर प्रोजेक्ट का ऑन झेलम रिवर जो कि सुधोती डिस्ट्रिक्ट में है पाकिस्तान में जो कि कश, कश्मीर में भी वो अकाउपी हो रही है और इंडिया की रैंक कौन सी है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में तो इंडिया की रैंक है थर्ड रिसेंटली कौन सी कंट्री है जिन्होंने टीम किया है विथ इंडिया फॉर जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स इन एशिया और अफ्रीका तो रशिया ने आ, इंडिया के साथ टाई किया है रिसेंटली स्पेस एक्स हैज सक्सेसफुली लॉन्च द फर्स्ट मिलिट्री सेटेलाइट एनासिस टू फॉर विच कंट्री तो ये हो गई है साउथ कोरिया के साथ और इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया है एक पै, पैसेज एक्सरसाइज जिसका नाम है पैसेक्स एक हाई एंड जॉइंट नवल एक्सरसाइज है उन्होंने कौन सी कंट्री के साथ

कंपेरेटिक विच इंडियन सिटी हेज़ रैंक्ड तो कौन सी इंडियन सिटी जिसको रैंक मिला है सिक्सटीन अमॉन्ग दर्ल्ड टॉप ट्वेंटी सर विलेज सिटीज तो हैदराबाद को यहाँ पे सोलहवा स्थान मिला है जिसमें कि वर्ल्ड की ट्वेंटी सर वलेज सिटीज़ है अंडर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंटी ट्यूबर क्लॉसिस प्रोग्राम इंडिया एक्सटेंडेड मेडिकल असिस्टेंस वो वन मिलियन डॉलर टू विच कंट्री रिसेंटली तो इंडिया ने इंडिया की डब्ल्यू एच ओ जो है वो एंटी ट्यूबर क्लॉसेस प्रोग्राम के के अंतर्गत क्या किया है इंडिया को एक्सटेंड किया है मेडिकल असिस्टेंस जिसकी एक मिलियन डॉलर की जो कि रिसेंटली किया गया नॉर्थ कोरिया के साथ रीसेंटली इंटेल कैपिटल ने खरीदा है कितने इक्विटी स्टेक इन रिलायंस जियो तो रिलायंस जियो में अभी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सभी कंपनियां कर रही है तो ये इन्होंने खरीदा है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री नाइन की इक्विटी और इसके बाद है कौन सी कंट्री बन गई है लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर इन यूनाइटेड किंगडम टू थाउजेंड नाइनटीन तो यूनाइटेड स्टेट जो है ना सबसे बड़ी फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टर बन चुकी है रिसेंटली द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साइन किया है एक एग्रीमेंट एक्सटेंड uh, करने के लिए फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर करेंसी स्वैप फैसिलिटी टू विच कंट्री तो उन्होंने श्रीलंका के साथ जो है साइन किया है एक एग्रीमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जिसमें कि फोर हंड्रेड मिलियन तक की करेंसी को स्वैप फैसिलिटी करने के लिए रिसेंटली कौन सी बैंक ने ज्वाइन किया है अ ज्वाइंट हैंड्स विथ यूनी कैन फॉर ओमनी चैनल सिक्योरिटी तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये किया है और अभी अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि कितने अमाउंट अप्रूव किए गए गए हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से इंडिया के लिए फ्रॉम इट्स एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फंड टू फर्दर सपोर्ट द गवर्नमेंट क्योंकि अभी कोविड नाइन्टीन की वजह से गवर्नमेंट एमरजेंसी रिस्पॉन्स टू कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के लिए उन्होंने यू एस डी थ्री मिलियन डॉलर का उन्होंने किया है ये अमाउंट uh, अप्रूव किया है रिसेंटली डिजिटल वॉलेट कंपनी जो है मोबी क्विक उन्होंने लॉन्च किया है एम पे डॉट मी ये यू पी आई लिंक सर्विस है जो अलाउ करते हैं यूज़र को सेंड करने और रिसीव करने के लिए मनी जो है और यू पी आई पेमेंट ऐप के थ्रू तो ये इसका जो मोबी क्विक है इसका ये हेडक्वार्टर कहाँ है आपको ये बताना है तो मोबी क्विक जो है वो उसका क्वार्टर है गुरुग्राम में आई आर सी टी सी ने अभी हाल फिलहाल में लॉन्च किया है एक को ब्रांडेड कॉन्टेक्ट लेस क्रेडिट कार्ड ऑन रूपे प्लेटफॉर्म किसके साथ किया है उन्होंने तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ किया है और रिसेंटली कौन सा बैंक है जिन्होंने लॉन्च किया है डिजिटल सॉल्यूशन लोन इन सेकेंड्स तो उन क्या सेकेंड्स में आप लोन ले सकते हो फॉर इंस्टेंट डिस्ट यहाँ पे डिसबर्समेंट ऑफ रिटेल लोन्स तो यस बैंक ने ये साइन किया है लॉन्च किया सॉरी और भविष्य से सेविंग अकाउंट्स हैज बिन लॉन्च्ड बाय विच पेमेंट बैंक रिसेंटली तो फिनो पेमेंट बैंक लिमिटेड है जिन्होंने भविष्य सेविंग अकाउंट उन्होंने लॉन्च किया है वर्ल्ड बैंक टू प्रोवाइड हाउ मच अमाउंट टू इनहस सपोर्ट फॉर द री वेटिंग रिवर गंगा तो गंगा रिवर को वापस से उसको पुनर् करने के लिए क्योंकि अभी आपको पता है गंगा का जो पानी था वो काफ़ी दूषित था जिसकी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किए गए तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिया है फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर का अमाउंट आगे देखते हैं रिसेंटली कौन से प्राइवेट सेक्टर बैंक ने एंटर किया है

एंड रिमिटेंस रिमिटेंस थ्रू मास्टर कार्ड एसबीएम ने एसबीएम बैंक ने ये लॉन्च किया है पार्टनर किया है मास्टर कार्ड टू फैसिलिट रियल टाइम डोमेस्टिक और क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स हाल फिलहाल में आईआईटी ने टाई अप किया है मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी निविडिया एन वी टू स्टैब्लिश इंडियाज फर्स्ट निविडिया एआई टेक्नोलॉजी सेंटर ये किसके साथ किया है कौन सी आईआईटी ने तो आईआईटी हैदराबाद ने किया है और रिसेंटली क्या हुआ है कि वीजा ने टाई अप किया है कौन सी बैंक के साथ लॉन्च करने के लिए वीजा सिक्योर को टू तो द बैंक्स कार्ड होल्डर्स तो इन्होंने किया फेडर फेडरल बैंक के साथ उन्होंने टाई अप किया है तो फाइनेंशियल न्यूज़ के बाद अब स्पोर्ट्स में क्या क्या हुआ है अक्टूबर के महीने में वो देख लेते हैं तो रिसेंटली क्या हुआ है फॉर्मर फुटबॉलर थे मारिया गोमेज उन्होंने अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट और आ, मैं बता दूं कि इस साल काफ़ी रिटायरमेंट हो गए हमारे स्पोर्ट्स में और वो किस कंट्री से रिलेटेड थे जो मैरियो गोमेज थे बहुत ही अच्छे आ, प्लेयर थे ये और ये कहाँ से रिलेटेड थे नो ये जर्मनी से रिलेटेड थे जर्मनी के थे फुटबॉलर मिले जैडनी एक उन्होंने भी अनाउंस कर दिया अपना रिटायरमेंट फ्रॉम द स्पोर्ट्स वो कौन सी कंट्री के थे वो थे ऑस्ट्रेलिया के फिर से है रिसेंटली क्या हुआ है ब्रेटली जो है उनको साइन किया गया है स्पोर्ट्स अड्डा की ब्रांड एम्बेसडर ब्रेटली जो है कौन से गेम से रिलेटेड है संबंधित है तो वो है क्रिकेट से फीफा वर्ल्ड कप ट्वेंटी को ऑर्गेनाइज किया गया है किस कंट्री में तो फ़ीफा वर्ल्ड कप कतर में होना है और रिसेंटली किन्होंने जीता है फार्मूला वन हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी लेविस हैमल्टन ने जीता है रिसेंटली जो है वर्ल्ड कप विनर एंड्री सिक्यूरल हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट फ्राम द फुटबॉल तो ये वर्ल्ड कप विनर थे फुटबॉल के उन्होंने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है तो वो कौन सी कंट्री से थे वो थे जर्मनी से इसके अलावा हाल फिलहाल में लेस्टर सिटी स्ट्राइकर जिमी वार्डी उन्होंने भी बैग किया है प्रीमियर प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड वो कौन सी कंट्री से है तो वो है इंग्लैंड से और हाल फिलहाल में जो अभी हुए हैं इंडिया के सिक्सटी सिक्स चेस ग्रैंड मास्टर वो हुए हैं जी आकाश रिसेंटली किन्होंने जीता है फार्मूला वन सेशन ओपनिंग ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड पिक्स तो ये जीता है वॉल्टेरी बोटास ने हाल फिलहाल में अंधेरी उन्होंने सस्पेंड उन्हें सस्पेंड कर दिया गया फॉर डोपिंग इन जुलाई ट्वेंटी ट्वेंटी ही इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट वो वेट लिफ्टिंग से थे जिन्हें अभी डोपिंग के लिए केस में उन्हें क्या कर दिया गया सस्पेंड कर दिया गया है हु हुन द स्टायरियन ग्रांड प्रिक्स 2020 तो किन्होंने ग्रैंड प्रिक्स 2020 को जीता है एट द रेड बुल रिंग इन ऑस्ट्रिया तो ये जीता है लेविस हैमिल्टन ने फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया खेलो इंडिया का फोर्थ एडिशन यूथ गेम्स होस्ट किया जाएगा कौन से स्टेट में ये किया जाएगा हरियाणा में तो ये थी स्पोर्ट्स की खबरें अब आगे चलेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या क्या हुआ है अक्टूबर के महीने में वो देखेंगे तो रिसेंटली जो है कौन सी कंट्री ने कंडक्ट किया है सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट ऑफ एम जी टी डी ट्वेंटी गैस टर्बाइन थ्री डी प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन तो ये किया है रशिया ने और कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया है न्यू कॉमर्शियल टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है ए पी एस टी ए आर सिक्स डी बाई लॉन्ग मार्च थ्री बी कैरियर रॉकेट कहाँ से ये साउथ वेस्टर्न जिंग चैंग सैटेलाइट लॉन्चर सेंटर से जो कि चाइना ने किया है रिसेंटली आई ने डेवलप किया है एक वर्ल्ड मोस्ट एफोर्डेबल कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका कि नाम उन्होंने रखा है कोरोसियोर ये किया है आईआईटी दिल्ली ने रिसेंटली कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ताइवान फर्स्ट इट्स फर्स्ट इंडिपेंडेंट मिशन टू मार्स ये किया है चाइना ने अभी हाल में ही एक मिशन जो है जिसका नाम है होप इसको लॉन्च किया गया है जो कहां के लिए है वो मार्स के लिए मार्स जाने के लिए कौन सी कंट्री ने किया है ये किया है यू ने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने सो रिसेंटली आई ने भी एक डेवलप किया है रैपिड डायग्नोस्टिक डिवाइस जो डिटेक्ट करेगा कोविड नाइन्टीन इन्फेक्शन को विद इन वन आवर एक घंटे के अंदर अंदर कोविड नाइन्टीन के इन्फेक्शन को वो बता देगा ये किया है आई आई टी खड़गपुर ने और रिसेंटली जो है कौन सी कंट्री है जिन्होंने लॉन्च किया है न्यू सैटेलाइट जिसका की नाम है जुआन 3 थ्री फ्रॉम शानजी तो ये किया है चाइना ने किसने लॉन्च किया है इंडिया की first social media, social media super application, जिसका नाम है ये किया मिस्टर वेंकैया नायडू ने और इसके अलावा अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है यूनिसेवियर और डिसइंफेक्शन बॉक्स को जो है डेवलप किया गया है रिसर्चर uh, के द्वारा जो कि कौन सी आईआईटी के हैं तो वो आईआईटी रुड़की के हैं जिन्होंने ये डेवलप किया है और रिसेंट uh, रिसेंटली ही uh, कौन सी कंट्री ने सक्सेसफुली लॉन्च किया है ओफेक्स सिक्सटीन स्पाई सैटेलाइट इनटू स्पेस तो ओफेक्स सिक्सटीन स्पाई सैटेलाइट को स्पेस में भेजा है इसराइल ने सारे इंपॉर्टेंट सेगमेंट के बाद अब हम हाँ सेक्शन में देख लेते हैं कि जो जो कुछ बेचर गया है इसमें क्या क्या हुआ है और तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिब्रेट ने सेलिब्रेट किया है नेशनल स्टैटिक्स डे कौन सी डेट को ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रोफेसर पी सी महालोनोबिस के तो उन्होंने किया है ट्वेंटी जून को अब ऑन द बर्थ और डेथ एनिवर्सरी ऑफ विधान चंद्रा रॉय जो कि ने आ, उनके जो बर्थ और डेथ एनिवर्सरी जो है उसको डॉक्टर्स डे के रूप में सेलिब्रेट किया गया है इन इंडिया एवरी ईयर कब सेलिब्रेट किया जाता है डॉक्टर्स डे और किसके लिए नाम याद रखना है आपको विधान चंद्र रॉय इनके लिए सेलिब्रेट किया जाता है इनके बर्थ और डेथ एनिवर्सरी को जो कि है फर्स्ट जुलाई और हाल फिलहाल में क्या हुआ है वर्चुअली रिलीज किया गया है एक बुक जिसका कि नाम है फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन नाइन मेगा ट्रेंड्स ये किया है इसके राइटर कौन है तो ये है एम वेंकैया नायडू अब कौन सी एडिशन है फाउंडेशन डे ऑफ नाबार्ड जो कि सेलिब्रेट की गई है ट्वेल्थ जुलाई 2020 को नाइन्थ है हर साल वर्ल्ड यूथ स्किल सेलिब्रेट किया जाता है कौन सी डेट में फिफ्टींथ जुलाई को और हर साल वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस किस दिन मनाया जाता है तो सेवनटीन जुलाई को और हर साल वर्ल्ड चेस डे जो है वो मनाया जाता है बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफ विच डेट दैट इज़ ट्वेंटीथ जुलाई कारगिल विजय दिवस बहुत ही फेमस है ऑब्जर्व किया जाता है हर साल छब्बीस जुलाई को और कौन सा एडिशन है ऑफ रेज रेजिंग डे ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि ऑन ट्वेंटी जुलाई को मनाया जाता है और इस बार कौन सा मनाया गया है वो एटी सेकेंड्स यानी कि बया बेरा बै, 82वां मनाया गया है ये 27 जुलाई को एवरी ईयर वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कब 28th जुलाई को कौन सी कंट्री ने सेलिब्रेट किया है 50th इंडिपेंडेंस 26th जुलाई को ये किया है मालदीव ने इसके अलावा धर्मचक्र डे सेलिब्रेट किया जाता है बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन अंडर द एगेट्री ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ़ कल्चर ऑन विच डेट तो ये किया जाता है धर्म चक्र डे सेलिब्रेट किया जाता है फोर्थ जुलाई को तो ये था हमारा अक्टूबर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेक्शन आई होप आपको ये सब सेक्शन समझ में आ रहे होंगे और मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ मैं एक टीचर हूँ केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाती हूँ और मैं सिर्फ और सिर्फ क्योंकि मैंने जो प्रॉब्लम फेस करी थी जब अपनी तैयारी के टाइम में तो ये करंट अफेयर्स का सेक्शन भी काफ़ी लेंदी होता था उस समय मुझे तैयारी करने में और मैंने खुद से नोट्स बनाए थे और बहुत समय बर्बाद होता है तो मैं इस सारी परेशानियों को जानती हूँ और सिर्फ मेरा मकसद है आपकी मदद करना और इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है कई सारी गलतियाँ हो सकती है तो मैं उनके लिए माफी चाहती हूँ और जो भी हो आप आ, आपको जो भी चीज़ है अपने कमेंट में अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जल्दी मिलती हूँ एक दूसरे वीडियो में जिसमें हम सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स वो आपको करवा दूँगी जिससे कि आपको अलग से कहीं भाग दौड़ करनी नहीं पड़ेगी सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स के लिए तीन महीने आप इधर अगर आपने पिछले तीन वीडियोस देख लिए और ये वाली वीडियो में ला के तीसरी वीडियो तो आपका तीन महीने का करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसके बाद जो सिक्स मंथ के करंट अफेयर्स है उसके लिए मैं जो कुछ है, क्योंकि रैंडम कुछ सवाल आ जाते हैं पिछले तीन महीनों से भी तो उसको मैं अलग से एक वीडियो कर दूँगी तब तक के लिए जल्दी मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन गुड बाय एंड टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग